दिल्ली बांधा क्षेत्र में पिस्टल से फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में मास्टरमाइंड समेत तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पर पिस्टल से फायर कर गोली चलाई। दरअसल लव ट्रेंगल के चलते युवक को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश की गई। हत्या की सुपारी देकर शूटर को रायपुर भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह सुनील केडिया के कहने से संदीप जैन पर गोली चलाने का बताया है, और जिस पर दोनों आरोपियों को भी थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपियों ने घटना की में संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। लभांडी गोलीकांड के मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साढ़े 11 बजे के आसपास थाना तेलीगा बांधा अंतर्गत लावांडी जो सर पिछला पुराना शराब दुकान है उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया जो उसको यहाँ पर भेजा था और इसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया, संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि इस संदीप जैन को मारा जाए, और इसके लिए सुनील केडिया ने 10 लाख रुपये देने का वादा किया था।